लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का कल होगा मतदान। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इस साल की थीम तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों को बचाना। और प्रदेश में भीषण गर्मी से 3 लोगों की मौत, रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में लू चलने से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अंकित मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव समाप्ति की ओर है। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण के तहत कल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए मतदान होगा। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर तथा कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह और TMC के नेता अभिषेक बनर्जी सहित प्रमुख नेताओं का राजनीतिक भाग्य कल EVM में बंद हो जाएगा। इन क्षेत्रों में निर्बाध और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर शेड, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर और बिजली की उचित व्यवस्था की गई है। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों को भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। किसी प्रकार की घटना से निपटने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराया जा सके। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने राज्य नीति आयोग द्वारा विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किया गया है। नवा रायपुर स्थित नीति भवन में सामाजिक समावेशन विषय पर गठित कार्य समूह की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सामाजिक समावेशन के लिए प्रमुख लक्ष्य, चुनौतियाँ और विभागीय विजन के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने गठित कार्य समूह के बारे में विस्तार से बताते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री श्री साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। पहले सत्र को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने संबोधित करते हुए विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपने बातें साझा की। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ के विकसित राज्य बनने के लिए तीव्र विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ अपने विकास के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी मंत्रीगणों ने संवाद में भागीदारी करते हुए छत्तीसगढ़ में इस संबंध में बनाई जा रही नीतियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने श्री सुब्रमण्यम के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं भी रखी, जिस पर विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सार्थक परिचर्चा हुई। गौरतलब है कि 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ के विजन के लिए सार्थक विमर्श होना है, साथ ही संसाधनों के सतत उपयोग और योजनाओं के अभिसरण सहित विविध विषयों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक घरेलू दर GDP की वृद्धि दर समान रूप से 7% बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ी है। इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सुदृढ़ बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बैंक की आय में वार्षिक आधार पर लगभग 17% की बढ़ोतरी हुई।
इस वर्ष 22 मई को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 2,11,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दीप, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जन जन के आदेश जनादेश में देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जनता का आदेश। 3 चरणों के चुनाव के बाद 220 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 4 जून को देखिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और जिसका मकसद लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू सेवन से हो जाती है। इस साल तंबाकू निषेध दिवस की थीम है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों को बचाना। इस दिवस के अवसर पर तंबाकू से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, इसके लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई में आज नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया रहा है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा भिलाई के पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने किया। श्री बघेल ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि नशे के दुष्परिणामों को जानते हुए भी लोग इसके गिरफ्त में होते हैं, ऐसे में इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति का दिवस है और इस दिन ही नहीं, हमको तो रोज इस दिवस को मनाना चाहिए। नशे से दूर रहे, नशे को त्यागे, नशा नाश की जड़ है, ये हम लोग स्वयं समझते हैं, लेकिन फिर भी उससे कई लोग ग्रसित भी रहते हैं। उस भाव को वो छोड़े और इसीलिए आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से, हमारे सेक्टर 7 के सेंटर के माध्यम से, दीदी आशा जी के नेतृत्व में, सभी दीदियों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से, ये रेलवे स्टेशन पावर हाउस भिलाई में आज ये आयोजन किया गया है। वहीं प्रदर्शनी की संयोजक ब्रह्म कुमारी आशा बहन ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी राजयोग द्वारा आध्यात्म के माध्यम से लोगों को मानसिक तौर से सशक्त बनाकर व्यसन से दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये विदिती है, पिछले 88 वर्षों से अपना ये कार्य कर रही है लोगों को नशे से मुक्त करने का, और इसके लिए राज्यों का अभ्यास कराकर ईश्वरीय ज्ञान देकर उनके मन को सशक्त बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। और आज आप देखिए जो नशा कर रहे हैं उनके अंदर में शक्ति की कमी, संकल्प की कमी है, दृढ़ता की कमी है, और इस आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों के माध्यम से व्यक्ति जो संकल्प करता है उसमें दृढ़ हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है ताकि आम जनता नशे से मुक्त हो। इस दौरान प्रदर्शनी देखने आए लोगों को नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला द्वारा नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। तंबाकू के सेवन से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के फेफड़ों को नुकसान होता है, जिस पर ध्यान नहीं देने से ये मौत का कारण भी बन सकता है। तंबाकू सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इससे मुँह, गले, फेफड़े, गुर्दे का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। नो टोबैको डे सेलिब्रेट करता है और हर साल कोई स्पेसिफिक थीम के ऊपर ये क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करता है, जैसे कि इस साल का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। नशा करने का चीज जो है ज़्यादातर एडोलेसेंस ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इन बच्चों में
ये नशा करने का आदत जो होता है उसका असर पूरा जिंदगी तक रहता है। धूम्रपान करने से जो कार्बन तथा टार फेफड़ों में चले जाते हैं वो फेफड़ों में ही जम जाते हैं, जिससे श्वास लेने में परेशानी होती है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, कई श्वसन रोग हो सकते हैं और फेफड़ों को क्षति के कारण फेफड़ों में संक्रमण और कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है, यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। आजकल इंडस्ट्री इतना नया नया चीजें लेकर आता है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है, जैसे कि आजकल ई सिगरेट ज्यादा हो गया और अप्रोक्सीमेटली 10-15% ऑफ द पॉपुलेशन एडोलेसेंट पॉपुलेशन आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर आई मीन ई सिगरेटिंग। तो ये सारे चीज उनका फिजिकल बीमारियां भी हो जाता है और मानसिक बीमारियां होता है और इसको इसके वजह से उनका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, उनके वजह से पढ़ाई में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स आ सकता है। बच्चे ये जब ये शुरू करता है तो उनको लगता है कि मेरे को लत नहीं पड़ेगा, किसी दूसरों का कंपनी में शुरू कर देते हैं, मजाक में शुरू कर देते हैं, बट लेकिन बाद में एक बार आदत होने के बाद बार बार पीने का आदत पड़ जाता है और ये डिपेंडेंस एक बार सेट हो जाता है, एक बीमारी बन जाता है, पहले तो आदत और उसके बाद बीमारी। तंबाकू में निकोटिन, टार, बेंजीन, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। तंबाकू के दुष्प्रभाव धूम्रपान करने वालों को ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों पर भी होते हैं। यदि आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो जानिए कि तंबाकू को छोड़ने के उपाय क्या हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा जिले के सेमरहा गांव में बैगा आदिवासी परिवार के 19 लोगों के दसगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरतलब है कि पिछले दिनों इन बैगा आदिवासी परिवारों के 19 लोगों की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने आज यहां पहुंचकर सभी मृतक सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही पीड़ादायक है और इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज दसकर्म था, हम लोग सब दसकर्म में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, दुख बांटने यहाँ पर हम लोग आए थे। मृतक परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर मुलाकात किए, उनसे बातचीत किए, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और उनकी जान का कीमत तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी सरकार के तरफ से उस परिवार को मदद हो जाए इस नाते 5-5 लाख रुपये देने का निर्णय लिए हैं, जो उनको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, वो भी जो बच्चे हैं मृतक परिवार के उनको पढ़ाने लिखाने का वो भी मतलब जिम्मा ली है। इस तरह से सभी लोग दुख की इस घड़ी में उनके साथ में हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य नेता उपस्थित थे। मौसम विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कई भागों में 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखी जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड में गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में लू चल रही है और लू के कहर से 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। गुरुवार को प्रदेश में मुंगेली जिला सबसे गर्म रहा है, जहां तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आंशिक परिवर्तन हो सकता है और अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का कल होगा मतदान। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इस साल की थीम तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों को बचाना।
और प्रदेश में भीषण गर्मी से 3 लोगों की मौत। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में लू चलने से जनजीवन प्रभावित। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।